देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, यह सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है और आएगा, क्योंकि गुनहगारों को बचाने वालों की आखिरी चाल भी बर्बाद हो गई। दशहरा के बाद आदित्य ठाकरे शायद देश छोड़ के जा सकते हैं अरेस्ट को टालने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। कहा जा रहा है कि अब एक नेता के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्या वो दशहरे के बाद देश छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के बड़े मंत्री ने ये आरोप लगाए हैं। और वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जनता की अदालत के अंदर जो जज साहब थे नीलेश ओझा जी, उन्होंने बताया कि आखिरकार अगर देश छोड़ के चला जाता है सुशांत दिशा का गुनहगार, तो उसको कैसे वापस लेकर आएंगे। पर उसको बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सब जानते हैं कि सुशांत केस को लगभग 3.5 साल के ऊपर हो चुके हैं। आज भी कई सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाते हैं और यहां तक कि सुशांत के लिए बात करते हैं। कई बड़े नेता थे जो सुशांत के लिए आवाज उठाते थे, कई बड़े लोग थे जो सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगाते थे। पर आजकल देखा जाता है कि कई सारे लोग शांत हो गए थे, पर जब से जनता की अदालत के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठा, दिशा का मुद्दा उठा, तब कहा जा रहा है कि राशिद पठान खान नाम के एक बड़े एडवोकेट हैं, जी हाँ, कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बॉम्बे हाईकोर्ट पीएल दाखिल कर दी। पीएल में कहा जा रहा है कि कई बड़े लोगों के नाम लिख दिए हैं और ये बता दिया है कि दिशा के घर के पास और सुशांत के घर के पास उनकी डेथ के टाइम के अकॉर्डिंग कौन कौन लोग मौजूद थे, उनकी फ़ोन लोकेशन तक सामने रख दिए सबूत के तौर पर, कई सारे सबूत रखे हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि कई नेता जो है जिनका नाम उस पीएल में लिखा गया है वो भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। और अब भी कहा जा रहा है कि एक बड़े बीजेपी के नेता ने ये बोल दिया है कि भैया दशहरे के बाद वो देश छोड़ के जाने वाला है। तो आखिरकार जनता की अदालत के जो जज साहब हैं नीलेश ओझा जी, उन्होंने क्या बोला है इस पूरे मामले को लेकर, आप खुद एक बार गौर से सुनिएगा। ये केस जो है जिस तरह से जा रहा है, जिस तरह से उसके ऊपर एक्शन वगैरह ले रहे हैं लोग, उससे वो डर गया है अरेस्ट से। और उनके पास में इंफॉर्मेशन है कि ये दशहरे के दूसरे मतलब मंगलवार बुधवार गुरुवार के समय लंदन या साउथ अफ्रीका करीब कभी भाग कर जाने वाला है अरेस्ट डालने के लिए। ये स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जिनका आज सरकार है, जिनका आज होम मिनिस्टर है। आप चलाइए सुशांत के मामले में काफी बार एलिगेशन किए हैं, उनके साथ एलिगेशन किए हैं, आपको कोर्ट में वो मामला चालू हो गया है। आदित्य ठाकरे इतने डर गए हैं कि उन्होंने कैबिनेट दाखिल किया है। और मेरी ये भी मालूम है जिसको आप क्रॉस चेक करो कि दशहरा के बाद आदित्य ठाकरे शायद देश छोड़ के जा सकते हैं अरेस्ट को टालने के लिए। ये तो मामला बहुत संगीन हो गया। यस, ये भागने की फिराक में है ये। और उनके पास इन्फॉर्मेशन है लंदन और साउथ अफ्रीका दो जगह के टिकट कुछ बनवाए हुए हैं। इन्फॉर्मेशन मतलब इंटेलिजेंस ने दिया उनको, वो तो सरकार के लोग है ना, उनकी सरकार है। इसका मतलब है कि ये वर्जन सरकार का वर्जन माना जाए कि ये भागने की तैयारी कर रहा है। ऑफिशियल वर्जन है वो, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है सरकार की। नहीं, हम तो अभी क्या है उसको लेटर दे देंगे होम मिनिस्ट्री को, और मतलब आप लुकआउट नोटिस निकालो इसका, इसको भागने मत दो। और अगर भागा तो आप कंसर्न अधिकारी को जिम्मेदार पकड़ेंगे कोर्ट में। और सुनिए सारे एस एस आर वॉरियर्स, जिसको जो पॉसिबल है ये वीडियो लीजिए, आप आपके लेवल पे आप ईमेल भेजिए, आप आपके लेवल पे आप ट्वीट कीजिए, देश में इसका इतना मतलब हाहाकार मचा दीजिए कि आसान ना हो उनको भागते जाए। नहीं, उन्होंने क्या है वो कभी कभी मिसगाइड भी करते हैं आरोपी लोग, तो मतलब एक लंदन का टिकट निकालने का दिखाने का और साउथ अफ्रीका भाग जाने का, उसने कहा कि दो कंट्री के टिकट निकाल के रखे हैं, तो आई वक्त कहाँ भागेगा बता ले। ओहो, मतलब दो दो देश के टिकट उन्होंने निकाल के ऑलरेडी रखे हुए हैं। हाँ, और उनको इससे तो साबित हो गया ये गुनाहगार तो पहले ही अपना एक प्रकार का गुनाह कबूल कर रहा है, क्योंकि ये एक तरफ तो एफिडेविट दे रहा है कोर्ट में कि हमारे खिलाफ जो कुछ भी लगा है वो गलत है, दूसरी तरफ इधर भागने की तैयारी कर रहा है, और सरकार का व्यक्ति ये ऑन रिकॉर्ड आके कह रहा है कि भाग रहा है। हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, हमारी दुश्मनी है आपके बुरे कर्मों से। आप आइए, ये हम प्रूफ दे रहे हैं, आप बताइए हमारा ये गलत कैसा है। यू आर वेलकम। कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया, एक तो भी वर्ड दिया कि ये जो मोबाइल लोकेशन है उस समय जो वहां पर था उस लोकेशन के बारे में मैंने जो पहले झूठा जवाब दिया, अब मैं मेरा जवाब सुधारना चाहता हूँ। और जो अन्य सूरज पाटिल जो गायब है, मतलब उसका तो जवाब ही नहीं है कुछ, सिर्फ आदित्य ठाकरे के लिए आ गए। इस बात को सुनने के बाद आप खुद सोचिए कि आखिरकार कौन है वो देश छोड़ के जाने वाला शख्स, और आखिरकार बड़ा शख्स है वो। नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे किसी का, पर जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से ये जो वीडियो सामने निकल के आ रही है, ये जो बातें सुनने को मिल रही हैं, ये बहुत चौंकाने वाली हैं। तो क्या यहाँ पर बीजेपी अब इलेक्शन से पहले सुशांत को या फिर दिशा मामले को लेकर बहुत एक्टिव हो गई है? क्या मामले में जो सच है वो बाहर आ जाएगा?
क्या इस पूरे मामले में जो गुनहगार है उनका रोल अब सामने पता लग जाएगा, क्योंकि नाम एक का नहीं, नाम बहुतों का है और बड़े बड़े लोगों का नाम निकल के आ रहे हैं सामने, जिनको लेकर हम देखते थे कि कई बड़े लोग दावा कर रहे हैं, आज उन्हीं के नाम लिए जा रहे हैं ओपनली तौर पर, और यहाँ तक कि नेता हो या अभिनेता हो सबके नाम लिए जा रहे हैं, बिल्डर के भी नाम सामने लिए जा रहे हैं, और कई सारे लोग अभी हाल ही में पॉलिटिक्स में ज्वाइन भी हुए हैं उनके भी नाम लिए जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार सुशांत मामले का ऐसा जो सच छुपा है वो सच अब क्या बाहर आने वाला है। उससे पहले दिशा केस हुआ था जिस मामले में कहा जा रहा था कि दिशा ने शायद 13वीं या 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी, पर उस केस को लेकर भी कुछ अलग ही तथ्य निकल के आ रहे हैं सामने। तो अब देखने वाला विषय ये होगा कि आखिर इस पूरे मामले में जो सच है क्या वो जल्द बाहर निकल के आएगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए सुशांत मामले का हाल जो चल रहा है, इस मामले ने बहुत लोगों की नींद उड़ा के रख दी है और बहुत सारे लोगों का हाल बेहाल करके रख दिया है। क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि जब से जनता की अदालत शुरू होती है और उसके बाद राशिद पठान खान नाम के बड़े एडवोकेट जो हैं वो पीएल दाखिल करते हैं, उसके बाद रिया का राजदीप सरदेसाई जो है उनके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है, और उसके बाद देखा जाता है कि बड़े नेता भी हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, और अब देखा ये जा रहा है कि बड़े बीजेपी के मंत्री दावा कर देते हैं कि दशहरे के बाद जिसका नाम पीएल में लिया गया है, जिसका यहाँ पर कहा जा रहा है कि नाम उस पीएल के अंदर दाखिल किया गया है, आरोप लग रहे हैं जिसके ऊपर वो देश छोड़ के जाने वाला है। तो अब देखने वाला विषय कि आखिर इस पूरे मामले में होगा क्या, ये तो वक्त बताएगा, पर हम चाहेंगे आप अपनी राय रखिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए हाल ही में नीतीश राणा जी के बड़े दावे, उससे पहले जनता की अदालत के अंदर बड़े दावे हुए, फिर जो जज साहब नीलेश ओझा जी उन्होंने बहुत बड़े खुलासे किए, तो कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर मुझे लगता है कि बड़े बड़े एडवोकेट जो है ये बात करते हैं, और एडवोकेट कभी भी बिना सबूत की बात नहीं करता। तो जिस तरीके से यहाँ पर नीलेश ओझा जी हो या फिर बड़े पॉलिटिशियन हो दावा कर रहे हैं तो उनके पास सबूत होंगे, और नीलेश ओझा जी ने तो बोल ही दिया है कि भैया पीएल दाखिल हुई है, और पीएल तब भी दाखिल हुई है जब सबूत बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास है मौजूद, और हमने 100 बार चेक करके पीएल दाखिल करी है। और वहीं पे कहा जा रहा है कि नीतीश राणा जी ने तो साफ बोला था कि मेरे पास वो पेन ड्राइव भी है, उसके अंदर सारे सबूत हैं, कई सारी बातें उन्होंने बोली थी। तो अब देखने वाला विषय है कि इस मामले का जो सच है वो कब बाहर निकलेगा। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।